हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरेस्ट यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कमेंट से। कमेंट देखिए, एक भाई ने पूछा है, इन्होंने पूछा है कि भाई मैं और मेरी जीएफ अभी दूर दूर रहते हैं, तो क्या मेरे दिल में जैसी फीलिंग है उनके दिल में भी होगी? तो कुल मिला के इन्होंने इनडायरेक्टली यही पूछा है कि हम ये कैसे पता करें कि हमारा पार्टनर भी हमको याद कर रहा है। इस टॉपिक पर इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं था, तो ये वीडियो बनाना पड़ा और ये वीडियो बहुत डिफरेंट होगा, बहुत काम का होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम ये कैसे जानें कि हमारा पार्टनर हमको याद कर रहा है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये वीडियो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा, इसका इंटेंशन यही है कि आप ये पता कर पाएँ कि आपको कोई याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात है कि इस चीज़ को क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोगों का मानना है कि अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिटी जो है वो अलग है और साइंस जो है, साइकोलॉजी जो है, ये अलग है। भाई ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो है ये एक, आप इसको बुक मान लो और साइकोलॉजी को इसका एक पेज मान लो, तो यानी कि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों में ज़्यादा कोई अंतर, ज़्यादा क्या, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो हम आपको तरीका बताएंगे, ये रिसर्च पर, साइंस पर और मान्यताओं पर आधारित हैं, जो कि आपकी मदद करेंगे ये जानने में कि कोई आपको याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे सामने ये क्लियरिफिकेशन आता है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें हम क्लियर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो भी आपको चार चीज़ें बताई जाएंगी, चार जो तरीके बताए जाएंगे, ये आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएंगी। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कुछ लोग अपनी गलती को भी सही बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, याद करना और भूलना ये दोनों अलग अलग बात है। अगर आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू चल रहा है, आप प्यार कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप मतलब चल रहा है, अभी कंटिन्यूसली है, रन कर रहा है, तब आप कह सकते हो कि आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हो। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, फिर भी आप कहते हो कि आप उन्हें याद कर रहे हो, तो ये सच नहीं है। इसका मतलब ये है, सच तो ये है कि आप उन्हें भूल नहीं पाए हो, आप उन्हें याद नहीं कर रहे हो, आप उन्हें भूल नहीं पाए हो, ये सच है। तो यहाँ पे ये दो फैक्ट हैं, इसको आप माइंड में रखिएगा ताकि आगे आने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओ। अब आते हैं उस पर, फोर फैक्ट पे, ठीक है। तो चार जो टॉप के तरीके हैं उस पर हम बात करते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है क्रिएट जेन्युइन हिस्ट्री। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपने अभी तक जितना रिलेशनशिप निभाया है या जितना आपने निभाया था, उसमें अगर आप जेन्युइन थे, आपने अपने पार्टनर के साथ जेन्युइनता के साथ रिलेशनशिप को निभाया है, तो आपका पार्टनर आज आपको याद कर रहा होगा और मरते दम तक आपको याद करता रहेगा, भूल नहीं पाएगा। आपने अगर जेन्युइन तरीके से यानी कि ईमानदारी से रिलेशनशिप निभाया है तो। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, भले ही आपका रिलेशनशिप टूट गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका पार्टनर आपको याद करेगा। कैसे? सपोज करिए कि आपने जो भी चीज़ें जेन्युइननेस के साथ करी हैं, उससे जुड़ी कोई भी एक्टिविटीज उसके साथ हो रही है, तो वो उसके माध्यम से वो आपको याद करेगा। लेकिन अगर आप जेन्युइन रहे होंगे तब, ठीक है ना। तो पहला ये है, आप खुद से ये पूछ सकते हैं कि क्या हम जेन्युइन थे, अगर थे तो आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा जो तरीका है ये मान्यताओं पर आधारित है, ड्रीमिंग, सपनों में आना। इसे साइंस ने प्रूफ नहीं किया है, लेकिन मान्यताएं इसको प्रबल तरीके से मानती हैं। अगर कोई भी इंसान आपके सपनों में आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको याद कर रहा है, और इस पर मैं भी बिलीव करता हूँ, क्योंकि सपने जो है वो बेवजह नहीं आते हैं, इसका हमारे रियल लाइफ से बिल्कुल कनेक्शन होता है और 100% कनेक्शन होता है। तो अगर कोई आपका पार्टनर है, वो आपसे दूर जा चुका है या आप रिलेशनशिप में हो, फिर भी वो आपके सपनों में आते हैं, बार बार आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपको बेहद याद करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, कोइंसिडेंस। इसको हिंदी में कहते हैं इत्तेफाक। अब यहाँ पे देखो, कई बारी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप अपने पार्टनर को याद कर रहे होंगे और उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ आपके सामने अचानक से आ जाती है, तो हमको लगता है कि ये इत्तेफाक से हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि सच्चाई जो है वो कुछ थोड़ी अलग है। आपका पार्टनर आपको याद कर रहा होता है तो इनडायरेक्टली जो है सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हमारे अनुकूल होने लगती है और उससे जुड़ी कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो कोइंसिडेंस अगर आपके साथ भी होता है, तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है। अब बात, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे तो बात की गई कि टॉप फोर तरीके डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन हमने तो यहाँ पे केवल तीन तरीका देखा है। अब फोर्थ तरीका जो है वो काफ़ी पावरफुल है, इसलिए उसको साइड में रखा गया है, न्यू पेज पे। अब बात करते हैं चौथे तरीके की। तो जो फोर्थ नंबर पर है वो है सबकॉन्शस वेव फ्रिक्वेंसी। इसका बहुत पावरफुल इफेक्ट है और ये 100% वर्क करता है। अब इसको समझना, यहाँ पे तीन जो चीज़ें हैं इसको समझाते हैं पहले। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ये कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है,
खत्म होने के बाद भी आप अपने पार्टनर को याद किए जा रहे हो, तो आपका पार्टनर आपको बिल्कुल नहीं याद करेगा, गारंटेड आपको याद नहीं करेगा। क्यों? मैं इसको आप साइंटिफिक वे में आपको फैक्ट बताता हूँ, आपको इसको प्रूफ करके बताता हूँ। देखो कैसे, अभी तक क्या था कि आप अपने पार्टनर को जब आप रिलेशनशिप में थे तो आप उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत याद करते थे, और इसी की वजह से वो आपसे अलग हुए, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। तो आप उनको बहुत याद करते थे, बहुत 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 याद करते थे जब आप रिलेशनशिप में थे। तो जब आप याद करते थे तो उस समय की जो वेव फ्रिक्वेंसी आपके माइंड से निकलती थी, आपके सबकॉन्शियस माइंड से, वो आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में जाती थी, उसको वो रीड करता था, और आपका पार्टनर जो है उनको बोलता था कि नहीं, इसको ब्लॉक करो, ये नहीं चाहिए हमें। अब सेम, यानी कि समझना इस बात को, आपका नाम तो रजिस्टर्ड है उनके माइंड में, लेकिन ये वेव फ्रिक्वेंसी किस तरीके से रजिस्टर्ड है? ब्लॉक के रूप में, कि इसको ब्लॉक करना जब भी ये आए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वही वेव फ्रिक्वेंसी आज भी निकालते हो, यानी कि आज भी अपने पार्टनर को याद किए जा रहे हो, तो वही वेव फ्रिक्वेंसी निकलेगी, वही तरंगे निकलेंगी, उसी तरीके से जाके हिट करेंगी। तो क्या होगा कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उसको ब्लॉक कर देगा, कहेगा कि नो एंट्री, अब बाहर ही रहो। तो कहने का मतलब यह है कि आपका नाम तो वहाँ पे रजिस्टर्ड है, लेकिन आपसे जो एक तरीके से पास आउट हो रहा है, वो वहाँ पे एंटर होने ही नहीं दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपका पार्टनर आपको याद करेगा? कतई नहीं याद करेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत याद कर ले, लेकिन आपको अच्छे से याद करने वाला नहीं है, शायद याद भी ना करे। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये निकल के आता है कि आप उनको भूल जाओ। अगर आप उनको भूल जाते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास से जो वेव फ्रिक्वेंसी निकलेगी, वो वेव फ्रिक्वेंसी वो वाली नहीं होगी जो पहले थी, ठीक है, नहीं होगी। तो आपका जहाँ पे नाम रजिस्टर्ड है वहाँ पे तो जाएगी आपके वेव फ्रिक्वेंसी, जब जाएगी तो आपके पार्टनर का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आने देगा, उसको ब्लॉक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो नया है। समझ में आ गई बात आपको, मैं क्या कहना चाहता था? तो अगर आप एक तरीके से उनको भूल गए हैं, ठीक है, और आप पॉजिटिव टोन पे हैं, तो आपकी वेव फ्रिक्वेंसी वहाँ तक पहुँचेगी और आप ये एहसास कर पाओगे कि हाँ, वो आपको याद करते हैं, ठीक है। ये चार तरीके हैं जो मान्यताओं पर और साइंस पर आधारित हैं, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते, इनको अप्लाई करो और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। अब एंड में बस इतना है कि इस कंटेंट को, यूनिक कंटेंट को जो कहीं आपको पूरे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये कंटेंट और भी लोगों तक पहुंच सके, वो इसका लाभ उठा सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह लिखेगा, ताकि अपकमिंग वीडियो के लिए नए टॉपिक पिक किया जा सके। अगर आपने अभी तक लव इंडस्ट्री फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसको क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए lovintercity@cm4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।